तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, जो कॉमन पेपर केमिस्ट्री है, उसके अंदर हम लोग सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। ओके, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एमसीक्यू कवर करते चलेंगे और आप लोग इसे सही तरीके से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यू आपका कंपल्सरी टाइप क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेकेंड चैप्टर का, जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रे या फिर विजिबल रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एसोसिएटेड विथ लाइट एनर्जी विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है कि इन अल्ट्रा वायलेट रे एंड विजिबल रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड इन द वेव लेंथ रेंज ऑफ 190 to 400 नैनोमीटर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। एंड अगला पॉइंट है कि द एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार पाई माइनस पाई स्टार एंड एन माइनस पाई स्टार ट्रांजिशन इज सिग्मा स्टार ग्रेटर देन पाई पाई स्टार ग्रेटर देन एन माइनस पाई स्टार। ओके, एंड अगला पॉइंट है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज लॉग आई नॉट डिवाइडेड बाई आई। एंड फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड टू लंगर वेवलेंथ रीजन। एंड अगला पॉइंट है कि हाइपर क्रोमिक इफेक्ट इज इनवर्स इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिकमांडेड सॉल्वेंट फॉर अल्ट्रा वायलेट रे एंड विजिबल रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज 600 to 1200 cm³। एंड नेक्स्ट है कि CO2 इज ट्रांसपेरेंट ऑफ इंफ्रारेड लाइट। एंड उसके बाद एक पॉइंट है कि द इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग्स यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री OH ग्रुप इन द रेंज ऑफ 3640 to 3610 cm³। एंड नेक्स्ट है कि द मोस्टली कॉमन यूज इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग NMR स्पेक्ट्रम इज TMS। ओके, एंड अगला पॉइंट है कि NMR स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन रेडियो फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट है द केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू फॉर एरोमेटिक पोर्शंस इज नियरली 6 to 7। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द इलेक्ट्रॉन आर ट्रेवल्ड थ्रू ए सेमी सर्कुलर पथ। ओके, तो इसको हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।